नमस्कार, आप देख रहे हैं बलिया लाइव और मैं हूं मनोज। उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती परीक्षा के दूसरे दिन भी बलिया की सड़कों पर भारी भीड़ और जाम जैसी स्थिति रही। सुबह 8 बजे से ही पुलिस प्रशासन सुरक्षा और ट्रैफिक की व्यवस्था को संभालने के लिए तैनात दिखा। प्रथम पाली की परीक्षा खत्म होने के बाद सड़कों पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सड़कों पर भीड़ की वजह से वाहन रेंगते हुए दिखाई दिए और अपने गंतव्य तक पहुंचने में उन्हें सामान्य से दोगुना से तीन गुने तक का समय लगा। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस यातायात व्यवस्था को संभालने में जुटी रही, लेकिन भीड़ के आगे वो भी बेबस दिखी। पहली पाली की परीक्षा देकर आए परीक्षार्थियों ने बताया कि गणित और रीजनिंग के सवाल काफी कठिन थे, जिनका जवाब निकालने में उन्हें काफी समय लगा। हालांकि पूरी परीक्षा ओवरऑल ठीक ठाक गई। परीक्षा दिलाने के लिए अभ्यर्थियों के साथ बड़ी संख्या में उनके अभिभावक भी आए थे। परीक्षा के दौरान रुकने की कोई व्यवस्था नहीं होने से वो यहाँ वहाँ भटकते हुए दिखाई दिए। कुछ अभिभावकों ने शिकायत की कि रेलवे स्टेशन के आसपास शौचालय के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे, जिसकी वजह से उन्हें परेशानी का सामना भी करना पड़ा। बलिया से बलिया लाइव के लिए आशीष कुमार दुबे की रिपोर्ट। ये आप देख सकते हैं।